हाय गाइस, आई एम विवेक शंकर। इन प्रीवियस लेक्चर आई डिस्कस अबाउट द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इन डिटेल्स एंड इट्स इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। टुडे आई डिस्कस अबाउट द डाइल्यूशन फार्मूला एंड इट्स डेरिवेशन एज वेल एज मोलरिटी मिक्सिंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। डाइल्यूशन फार्मूला, what is the dilution process of addition of water in any solution is known as dilution। कहने का मतलब बेटा, डाइल्यूशन क्या होता है या डाइल्यूशन किसे बोलते हैं, तो आप अच्छी तरह जानते हो। मेरे पास कोई भी सोल्यूशन हो, अगर मैं उसमें वाटर ऐड करना स्टार्ट कर दूं तो धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाएगा। धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, समझे। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डाइल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, डाइल्यूशन। अच्छा, एंड डाइल्यूशन इज, जब डाइल्यूशन आप करोगे, इन डाइल्यूशन में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। जो मोल्स ऑफ बेटे क्या होंगे बेटा, सॉल्यूट होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। और वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन है वो हमेशा इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा। और मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन जो होगी वो हमेशा डिक्रीज कर जाएगी। मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमेशा क्या करेगी बेटा, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अब आगे देखिए बेटे, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको समझाता हूँ। सपोज करिए आपके पास क्या है, 1 glass वाटर था, जिसमें आपने क्या कर रखा था, 1 चम्मच उसमें आपने चीनी डाल दी थी। अब आपने उसको मिक्सअप करा तो आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब आप खुद सोचिए, जब आपने उसको थोड़ा सा पी के देखा तो वो मीठा था, बट अब हमने उसमें क्या किया, अब उसमें हमने 4 glass पानी और ऐड कर दिए। ऐसे हमने उसमें 4 glass पानी और ऐड करेंगे, यानी वाटर और ऐड कर दिया, तो अब क्या हो गया, उसका वो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ करा। सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या करा बेटा, इंक्रीज़ करा। साथ ही साथ आपने क्या देखा कि जो उसकी मिठास थी वो मीठापन कम हो गया, यानी नंबर ऑफ जो, या कह सकते हैं जो आपके मोलरिटी जी थी सोल्यूशन की, वो क्या हो गया बेटा, हमेशा डिक्रीज करने लगी। जब मोलरिटी डिक्रीज करने लगी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ जो शुगर होगा वो कम होने लगा। बट याद रखिएगा, हमेशा जो मोल ऑफ सोल्यूट होंगे वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। आपके वाटर को ऐड कर देने से किसी सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स में कोई भी वेरिएशन नहीं आता है, ठीक है गाइस। चलिए आगे एक डायग्राम के तौर पर भी समझते हैं हम लोग। सपोज करिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी m1 है और वॉल्यूम जो है वो v1 है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, सम अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड। मैं इसमें कुछ वाटर क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पर जाके इस तरीके से मैं उसको ऐड कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ बेटा, ऐड कर दे रहा हूँ। जब मैं उसको इसमें ऐड करूँगा, देन डाइल्यूशन टेक प्लेस, तब क्या हो जाएगा बेटा, डाइल्यूशन होने लगेगा। अब जब डाइल्यूशन हो जाएगा तो सॉल्यूशन के पास क्या बचा, आप जो मोलरिटी होगी वो बदल गई होगी। मोलरिटी हमेशा डिक्रीज कर गई होगी, तो आप डिक्रीज करके कितने हो गए बेटा, m2। जबकि वॉल्यूम इंक्रीज करा होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज करा होगा तो कितना वॉल्यूम हो गया बेटा, v2। तो अब हमें पता है, अब आपको क्या करना है, इसी जो आपको ऊपर मैंने यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, उसी को हम यहाँ ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, पहले सॉल्यूशन में जो मोलरिटी थी वो m1 थी, सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो था वो v1 था, वो मोल ऑफ जो सॉल्यूशन था वो m1 into v1 था। अब आपको मैंने इसे m1 v1 वाला मोल क्यों बताया बेटे, मोल को इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि मोल के जितने भी फार्मूले होते हैं उसमें से एक फार्मूला ये भी होता है। आइए पहले मैं क्या करता हूँ, मोल के सारे फार्मूले मैं आपके सामने लिख देता हूँ, ताकि आपको आसानी पड़े चीज़ों को समझने में। देखिए, पहले आप जानते हो मोल इज इक्वल टू, मोल हमेशा बराबर होता है या निकालना पड़ता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास से। एक तो आपको ये मोल का फॉर्मूला पता होता है, दूसरा जो मोल का फॉर्मूला होता है बेटे वो होता है वॉल्यूम ऑफ STP, है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4 liter, ठीक है। दूसरा फार्मूला बेटा मोल का ये, पहला फार्मूला मोल का ये हो गया बेटा आपका, दूसरा मोल का फार्मूला आपका ये हो गया। अब तीसरा मोल का फार्मूला क्या होता है, है ना, तीसरा मोल का फार्मूला होता है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। इसको आप इस तरह लिख सकते हो, यानी मोल एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल, है ना, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। ये आपका क्या हो गया बेटा, तीसरा फार्मूला निकल के आया मोल का, ठीक है। तो आप उसी फार्मूले को लगा के आपने क्या लगाया है, m1 into v1 उसके मोल होंगे, जो आपके पहले वाले जो सॉल्यूशन थे उसमें पड़े होंगे, है ना।
अब देखिए आप जानते हो आफ्टर डाइल्यूशन, जब आपने डाइल्यूशन करा तब मोलैरिटी चेंज हो गया, M2 हो गई, और साथ में वॉल्यूम जो होगा वो V2 हो गया, और जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या रहेंगे, M2 इंटू V2 हो गए। बट M2 इंटू V2 हमेशा बराबर होंगे, याद रखना M2 इंटू V2 हमेशा क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। ये दोनों जो मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो शुरुआत में थे वही नंबर ऑफ मोल्स बाद में भी होंगे, वो चेंज नहीं होंगे गाइस। इसीलिए मैंने यहाँ लिख रखा है नंबर ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें में वेरिएशन आया। तो वेरिएशन मुझे कहाँ देखने को मिला, मोलैरिटी जो थी वो क्या हो गई बेटा, कम हो गई, यानी डिक्रीज कर गई। M2 इज लोअर देन दैट ऑफ M1, पहले जो मोलैरिटी थी वो ज़्यादा थी, अब जो मोलैरिटी होगी वो कम होगी आफ्टर द डाइल्यूशन। बट वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हमेशा बढ़ेगा, तो V2 इज इक्वल टू क्या होता है, V1 प्लस जितना तुमने वाटर ऐड किया, जितना उसको डाइल्यूट करा है ना, वही आपका क्या निकलता है V2। तो हमेशा V2 हमेशा क्या होगा, V2 माइनस V1। तो आइए इस बात को देखते हैं, ये बेटा डेरिवेशन की तरह हम लोग चल रहे हैं इसको समझाने के लिए कि डाइल्यूशन फार्मूले का डेरिवेशन कैसे करते हैं। ये एक तरीके से मैंने आपको डेरिवेशन करके ही दिखा रहा हूँ। अब आपने क्या किया, आपको पता नंबर ऑफ मोल्स दोनों में बराबर होंगे, जाहिर सी बात है M1 इज इक्वल टू V1 इंटू M2 इज इक्वल टू V2, दैट्स द इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये आपका ड्राइव हो गया कि भाई M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, यानी जब भी आपके डाइल्यूशन से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, आपको फार्मूला अप्लाई करना है M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। चलिए क्वेश्चन के तौर पे हम लोग समझते हैं कि भाई इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे करते हैं। बोल रहा है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 500 ml ऑफ वाटर इज एडेड इन 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो पहले ये जान लीजिए 5 मोलर ऑफ ग्लूकोज, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का क्या मतलब है ना, तो इसका मतलब है 5 मोल ग्लूकोज है ना प्रेजेंट इन है ना 1000 ml और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये बात आपको क्लियर हुई, ये 5 मोलर का मतलब क्या होता है, 5 मोलर का मतलब होता है 5 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1000 ml या फिर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा अब उसने क्या किया है कि उसने 500 ml वाटर इसमें और ऐड कर दिया है, उसने क्या किया 500 ml वाटर और उसने और ऐड कर दिया। अब आपसे पूछ रहा हूँ मोलैरिटी बताइए, तो आप बताइए आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, डाइल्यूशन वाला फार्मूला है, तो यानी M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो आप बताइए M1 तो आपको कितना दे रखा है, 5 मोलर कितना दे रखा है मोल, 5 मोलर दे रखा है ना आपको, 5 मोलर सॉल्यूशन का मतलब उसकी मोलैरिटी कितनी है बेटा, 5 दे रखी है। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, यानी आपका आ गया M1 इज इक्वल टू 5। अब कितना वॉल्यूम कितना दिया था बेटा, 1000 ml, यानी आपको ml में ही रखना है, किस में रखना है बेटा, ml में रखो चाहे लीटर में रखो, मगर दोनों यूनिट सेम ही रखनी है। तो अगर यहाँ पर M1 कितना है, 5 है, और वॉल्यूम कितना है, 1000 ml है बेटे, है ना, अब 1000 ml है। अब इज इक्वल टू यहाँ M2 आपको निकालना है, तो V2 से आप उसको क्या कर दे, डिवाइड कर दीजिए, V2 कितना निकलेगा, V1 प्लस V2 है ना, V1 प्लस वाटर, तो V1 कितना था 1000 प्लस, अब आप बताइए कि वाटर आपने कितना और ऐड किया है, 500 ml, तो 500 ml और आपने ऐड कर दिया, तो ये हो गया V2। तो आप क्या करिए, ये हो गया बेटा नीचे हो गया 15, नीचे कितना हो गया बेटा 15, और ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया बेटा 5000 डिवाइडेड बाय है ना 1500, कितना हो गया बेटा 1500। तो बेटा ये देखो 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए, आंसर कितना मिला 50 बाय, पेन नहीं चल रहा, एक मिनट रुक जाइए दूसरा पेन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा आंसर 50 बाय है ना 50 बाय 15, कितना आ जाएगा 50 बाय 15। तो ये आपका क्या निकला M2, क्या निकलेगा M2, आप इसको सॉल्व कर लीजिए आपको क्या मिल जाएगा बेटे M2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो डाइल्यूशन के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से उसको कंप्लीट करते हैं हम लोग, ठीक है गाइस। तो आपको ये क्लियर हो गया कि डाइल्यूशन से अगर कोई भी प्रोसेस आता है तो आप उसके डेरिवेशन किस तरह से, आप मैंने उसको समझाया है, पहले मैंने आपको समझाने के लिए डाइल्यूशन को ले क्या किया, पहले उसकी डेफिनेशन बताई, जब डाइल्यूशन हो रहा होगा तो क्या क्या चेंजमेंट होगा मैंने वो भी लिखा, उसके बाद मैंने कुछ मोल्स के आपके लिए फॉर्मूले भी लिख दिए ताकि आपको
दिक्कत ना हो। फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने किया और फिर जो वो जो जो चीज़ें आपने ऑब्जर्व करी या जो जो चीज़ें आपको दी गई थी वो आपने ऑब्जर्व करी, वही चीज़ें आपने यहाँ पर लिखी, उसी के अकॉर्डिंग आपका एक फॉर्मूला निकल के आया m1v1 = m2v2। तो आपने अप्लाई कर देंगे, जब भी आपको डाइल्यूशन का कोई भी आपका न्यूमेरिकल होगा तो वो आसानी से क्या हो जाएगा बेटा, ईजिली बेटी वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग क्या होती है बेटा, जब हम किसी एक डेफिनाइट जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का वो दूसरे डेफिनाइट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में उसको ऐड कर देते हैं तो मुझे रिजल्टेंट मोलैरिटी निकालनी पड़ती है। सपोज करिए अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मेरे पास 0.2 मोलर HCl था, सॉल्यूशन था, मैंने उसमें 0.5 ml कंसंट्रेट मैंने HCl और ऐड कर दिया, तब मुझसे पूछ रहा बेटा बताइए कि रिजल्टेंट जो आपकी मोलैरिटी होगी वो क्या होगी। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा किस कॉन्सेप्ट से हमेशा सॉल्व होते हैं, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग से वो हमेशा सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग जो होता है ये कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होती है। तो सब पहले मैं आपको बता दूँ, इट इज़ अप्लीकेबल फॉर, ये केवल वहीं अप्लीकेबल होगी जहाँ पर, देखिएगा समझिएगा बेटा, है ना, मोर देन वन सॉल्यूशन हैविंग कंडीशन ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें मोर देन वन जो सॉल्यूशन होंगे आपके पास उनके पास ये कंडीशन होनी चाहिए, केवल जिनके पास ये कंडीशन अप्लाई वो कर रहे होंगे तभी वो, है ना, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग को वो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कंडीशन बेटे क्या क्या है समझना, पहली कंडीशन क्या है, सेम सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस सेम होना चाहिए। जैसे अगर आपका एक सोल्यूशन HCl का है तो दूसरा भी सोल्यूशन HCl का होना चाहिए, है ना। मेन चीज़ ये है कि आप जो भी आप सब्सटेंस ले रहे हो वो आपस में रिएक्शन ना करें, मतलब नो रिएक्शन टेक प्लेस, मतलब वहाँ पर रिएक्शन नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। जब आप एक सोल्यूशन को दूसरे सोल्यूशन में ऐड करोगे तब वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो यही है। दूसरी कंडीशन क्या है, उनमें नंबर ऑफ आयन जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, मतलब जो सेम आयन अगर प्रेजेंट होंगे तो वो आपस में रिएक्शन ही नहीं करेंगे। सपोर्ट करिए मेरे पास एक तरफ NaCl का सोल्यूशन था, एक तरफ मेरा NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट का सोल्यूशन था, दोनों को जब ऐड करूंगा तो ये आपस में कभी रिएक्शन ही नहीं करेंगे। जब रिएक्शन नहीं करेंगे तो इसी टाइप के जो आपके एक से ज़्यादा के सोल्यूशन होते हैं या मोर देन जो वन सोल्यूशंस होते हैं वही आप या उन्हीं को आप अप्लीकेबल कर सकते हो या उन्हीं में आप अप्लीकेबल कर सकते हो मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट। तो गाइज ये इतनी बात मेरी समझ में आई कि मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग हम कहाँ पर अप्लाई करेंगे और कहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। अब क्या है, मैंने एक नोट पॉइंट लिख रखा है बहुत इजीली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर द सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट, ना क्या मैंने बोला, इट इज़ नॉट अप्लीकेबल, ये अप्लीकेबल नहीं होगा फॉर द सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट नेचर। अगर आपका जो सब्सटेंस है उसका नेचर हो जाए डिफरेंट हो जाए तब ये जो मोलैरिटी मिक्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है आप उसे वहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाओगे। लाइक सपोज करिएगा मेरे पास HCl का सोल्यूशन था, अब मैं उसे NaOH के सोल्यूशन में ऐड कर रहा हूँ तो इसमें इंडायरेक्ट वो दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस होगी, इसलिए मोलैरिटी मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट वहाँ पर नहीं फॉलो होगा, है ना। तो इसलिए मैंने लिख रखा है दे विल रिएक्ट with each other, है ना, so it is not applied the molarity of mixing। अब देखिए मैंने आपके सामने एक क्या करा है, एक डायग्राम बनाया है जिससे आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। सपोज करिएगा मेरे पास सोल्यूशन था, है ना, ये सोल्यूशन नंबर 2 है, ये मेरे पास सोल्यूशन नंबर 1 था। अब सोल्यूशन नंबर 1 जो था मेरे पास, ये दोनों जो सोल्यूशन है ये सेम सब्सटेंस है, ये किसके हैं बेटा, सेम सब्सटेंस के मेरे पास सोल्यूशन है, ये दोनों ही सेम सब्सटेंस के सोल्यूशन है मेरे, है ना, दोनों ही सेम सब्सटेंस के सोल्यूशन है बट उनका कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट है, इसका कंसंट्रेशन अलग है, इसका कंसंट्रेशन अलग है, बट ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इनका कंसंट्रेशन केवल डिफरेंट हो सकता है जबकि इनके जो सब्सटेंस है वो बिल्कुल सेम है, वो चेंजमेंट नहीं होगा। अगर वो चेंजमेंट हो गया तो हम मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग को अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप मेरे पास सोल्यूशन नंबर जो 1 था उसकी जो सोल्यूशन नंबर 1 की जो मोलैरिटी थी वो m1 थी और उसका जो वॉल्यूम था वो v1 था, यानी नंबर ऑफ मोल्स की अगर बात करें तो m1 = m1 * v1 था। जबकि अगर मैं बात करूँ सोल्यूशन नंबर 2 की तो सोल्यूशन नंबर 2 में क्या था बेटा, मेरा जितने मोल थे कितने मोल थे, m2 * v2 मेरे मोल थे। अब मैंने कहा इसको भी इसमें ऐड कर दिया, नए बीकर में दोनों को मैंने ऐड कर दिया, जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास क्या मिला बेटा, सोल्यूशन हैविंग, है ना, अननोन कंसंट्रेशन, यहाँ क्या लिखा है, सोल्यूशन हैविंग
अननोन कंसंट्रेशन, यहाँ नोन लिखा है बट यहाँ पर होना चाहिए अननोन, ठीक है। सोल्यूशन हैविंग अननोन कंसंट्रेशन, जब सोल्यूशन की अननोन कंसंट्रेशन होगा तब आपको मोलरिटी रिजल्टेंट बतानी होगी। कैसे बताओगे, तो आपको पता है नंबर ऑफ जो मोल्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, m1 into v1 plus m2 into v2 के बराबर नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। अच्छा वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम v1 plus v2 से थ्रू क्या निकाल लोगे, वॉल्यूम निकाल लोगे। तो रिजल्टेंट मोलरिटी रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, मोल्स है ना, टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोल्स कितना है, m1 into v1 plus m2 into v2 अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, v1 plus v2। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, मोलरिटी रिजल्टिंग इज इक्वल टू समीशन ऑफ है ना mi into vi, mi क्या है, मोलरिटी ऑफ ईच सॉल्यूशन इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच सॉल्यूशन। अब क्या है बेटा, इनका समीशन करना पड़ेगा अलग अलग, जितने भी आपको सॉल्यूशन आप उसमें ऐड करते जा रहे हो जो अपने रिजल्टेंट में। अब क्या है, समीशन ऑफ vi मतलब टोटल वॉल्यूम कितना आपका आएगा वो आपको लिखना है। तो ये आप फॉर्मूले अप्लाई करोगे तब जब मोलरिटी मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। मैंने बताया मोलरिटी मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट कब आएगा और आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। चलिए क्या करते हैं, हम आपके सामने एक क्वेश्चन से इसको और अच्छी तरीके से और डिटेल में इसको जानते हैं, ठीक है गाइस। क्या मैं हल्का सा इसको ऐसे फोल्ड कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आप इसको देख चुके होंगे आपने लिख लिया होगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको फोल्ड करके मैं आसानी से आपके सामने मतलब लिख सकूँ, या मैं इसको हाफ ऐसे करता हूँ फोल्ड कर देता हूँ। यहाँ से अगर मैं इसको फोल्ड कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, थैंक यू सो मच, क्योंकि बेटा बहुत प्रॉब्लम होती है बोर्ड के बिना पढ़ाने में, है ना, क्योंकि आप तो जानते ही हो बोर्ड पर पढ़ाना मुझे ज़्यादा पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, 200 ml ऑफ 0.2 molar सोल्यूशन, क्या लिखा है, 2 ml ऑफ 0.2 molar HCl सोल्यूशन इज मिक्सड विथ 300 ml ऑफ 0.3 ml HCl सोल्यूशन, कैलकुलेट फाइनल मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ द नहीं लिखा है, द सोल्यूशन लिख लीजिएगा, द सोल्यूशन। तो आपको इसने क्या बोला है, आपके उसने 200 ml जो थे वो 2 molar HCl को ऐड किया है और 300 ml उसने 0.3 molar HCl को ऐड किया है, और वो पूछ रहा है मोलरिटी क्या निकलेगी या रिजल्टेंट मोलरिटी क्या होगी। तो आप बताइए गाइस क्या होगी, जब आपको मोलरिटी रिजल्टेंट निकालनी है तो आपको क्या फार्मूला बताया था, मैंने आपको फार्मूला बताया था m1 है ना इंटू v1 इन है ना m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 बाय v1 प्लस v2, यही तो फार्मूला बताया था। अब आप बताइए रिजल्टेंट आपको निकालनी है तो m1 का वैल्यू कितना दे रखा है, m1 का जो वैल्यू है मोलरिटी कितनी दी है, 0.2 molar कितनी दी है बेटा, 0.2 molar, उनका वॉल्यूम कितना दिया है, 200 ml, कितना दे रखा है 200 ml अपॉन सॉरी प्लस, और आगे m2 भी तो लिखना है, m2 कितना दे रखा गया है, 0.3 molar, कितना दे रखा है, 0.3 molar इंटू है ना उसका वॉल्यूम कितना देखा है, 300 ml, कितना दे रखा है, 300 ml अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना निकलेगा, 200 plus 300। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करोगे तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 2 into 2 यानी हो जाएगा 0.4, ये आ जाएगा आपका 40, कितना आ जाएगा बेटा 40 प्लस, इधर कितना आ जाएगा, 3 3 है ना, 3 3 9 होता है, और 0.00 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा इधर 90 अपॉन, अब 300 और 200 इज इक्वल टू कितना होता है, 500, कितना होता है बेटा 500। चलिए और सॉल्व करिए, कितना हो गया, 130 divided by 500, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, अब ये कितने टाइम देने वाला है, ये जाएगा बेटा आपका 0.26 molar, यानी जो MR निकली या मोलरिटी जो रिजल्टेंट मोलरिटी निकली वो कितनी निकली, 0.26 molar। तो ये याद रखिएगा बेटे कि आप जब बिल्कुल अच्छी तरीके जब आप इसको क्या कर रहे थे, क्वेश्चन को सॉल्व करा बिल्कुल थ्योरेटिकली और आप समझ के उसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आपको आसान पड़ेगा इसको सॉल्व करना। चलिए हम आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं, एक मतलब मैं आपको चाहता हूँ कि एक शॉर्ट ट्रिक बता दें, आपको 2 molar 0.2 molar की दे रखी गई थी एक जगह और एक जगह दी गई थी 0.3 molar की, तो आप जब इन दोनों को मिलाओगे है ना तो इनके बीच का ही तो आपको मिलेगा आंसर, तो वो क्या मिलेगा, 0.25। इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक होती है कि आंसर कैसे हम लोग गैस करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। मान लीजिए अब ये उसमें आ जाता है ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तो आप कैसे करते, तो जल्दी करने के लिए इस टाइप की जो शॉर्ट ट्रिक होती है उनको हम लोग यूज़ भी कर लेते हैं। चलिए गाइस अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा क्या हुआ बेटा,
एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल क्लियर कर दूं कि यहाँ पर मेरा जो भी मूल कॉन्सेप्ट था वो टोटली ओवर हो गया है, ख़त्म हो गया। मैंने एक एक टॉपिक को डिस्कशन कर लिया है। बस आपको क्या करना है, आपको अपने आप से है ना जो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस है ना, ये आपको खुद अपने आप से पढ़ने हैं, ठीक है बेटा। ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपको 9th 10th में पहले पढ़ा दिया जाता है, इसलिए आप फर्स्ट ईयर में आ चुके हो तो वो चीज़ आपको खुद पढ़नी है। बाकी जो पिछले वीडियो में मेरे कुछ न्यूमेरिकल रह गए थे वो मुझे आज डिस्कस करने हैं, इसलिए मैं उन न्यूमेरिकल को भी क्या करता हूँ यहीं पर डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है बेटे। चलिए देखिएगा, पिछले वीडियो में मैंने आपके से न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा कर रहा था। मैंने आपके सामने ये एक न्यूमेरिकल जो था मैंने उसको क्लियर कर लिया था। आपको घर से बोला था कि घर से आप करके लाओगे, दो न्यूमेरिकल आप करके लाओगे और मुझे दिखाओगे कि आपने किस तरह से वो न्यूमेरिकल को आपने करा है, ये किस तरीके से आपने उसको हैंडल करा है, ठीक है, या आपका कितना वर्क सही है वो भी आपका चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं क्या करूँगा, जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब भी आप भी अपने आप वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलिएगा, ताकि आपके अंदर क्या है कि आपने जहां गलती करी आप उसे वहां पर सुधार सकें और काफ़ी चीज़ों को आप देख सकें कि आपने गलती कहां करी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को समझते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 98% W/W ऑफ H2SO4 हैविंग डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.8 ग्राम पर ml। तो गाइस पहले तो इसका मतलब समझ लो, अगर आपको इसका मतलब नहीं आता तो फिर आपके लिए आधी चीज़ तो वहीं पर ख़त्म ही हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 98 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट, आपको दिख रहा है ना बेटे, हाँ 98 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है, यानी सॉल्यूशन का आपको वेट भी पता चल गया, सॉल्यूट का वेट भी पता चल गया, ये चीज़ें आपको इससे पता चली है ना, इसका मतलब क्या था। अब आपके बहुत सिंपल सी चीज़ें क्या आ जाएंगी वो जरा चीज़ें सीख लीजिए। आपको मोलरिटी निकालनी है और मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था W/m × 1000/Vml ऑफ सॉल्यूशन, याद आया आपको, ये आपका मोलरिटी का फॉर्मूला है, इसी को आपको अप्लाई करना है। तो जाहिर सी बात है आपको W पता चल गया है, किसका बेटा, आपको W पता चल गया है H2SO4 का, मोलर मास आप H2SO4 का जानते हो और साथ ही साथ उसको आपका वॉल्यूम आपको ml में चाहिए, जबकि यहाँ पर ग्राम में दे रखा है, तो आपको इसीलिए डेंसिटी दी गई है कि ताकि आप उसे ग्राम से है ना उसे आप किस में कन्वर्ट कर दें, ml में, आसानी से उसको आप कन्वर्ट कर सकें। तो फर्स्टली आप क्या करोगे, ये जितना भी सोल्यूशन का जो आपको वेट दे रखा गया है आप इसका सोल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो आपको सोल्यूशन का वेट और दिया गया और आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो क्या आपको चाहिए रहेगी, डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास बाय वॉल्यूम। अब आपको चाहिए क्या बेटा, आपको एक्चुअली में चाहिए वॉल्यूम, आपको क्या चाहिए बेटा, वॉल्यूम चाहिए। अब वॉल्यूम चाहिए तो आपके पास क्या है, मास है, आपके पास क्या है, मास है, तो आप उसको क्या करो, डेंसिटी से डिवाइड कर दो। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करो, मास कितना था बेटा, 100 था, और एक्चुअली में आपका डेंसिटी कितना था, 1.8 था, कितना था बेटा, 1.8 था। चलिए और आगे बढ़िए, इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट हटाइए, ऊपर एक जीरो बढ़ा लीजिए, तो जब बढ़ाओगे तो होगा 1000/18 और 1000/18 का मतलब होता है 55.55, कितना होता है, 55.55। इतनी बात क्लियर हुई आपको, मैंने ये क्या निकाल के दिखाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से आप चीज़ों को सॉल्व करते हैं, कैसे आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में आपको यहाँ पर मोलरिटी निकालनी थी और मोलरिटी निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, आपको डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है जिससे आप आसानी से चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। तो आपको पहले तो सॉल्यूशन का क्या चाहिए था बेटा, आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए था, क्या चाहिए था बेटा आपको सॉल्यूशन का, आपका सॉल्यूशन को वॉल्यूम चाहिए था। वो वॉल्यूम आपको कैसे मिलेगा, तो आप क्या करोगे बेटे, आपका काम है कि जब आपको वॉल्यूम मास दिया हो सॉल्यूशन का
तो सॉल्यूशन का अगर मास आपको पता हो, आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना हो, तो आप डेंसिटी के थ्रू उसको निकाल सकते हो। किस तरह से निकालोगे कि डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, तो आपको वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। तो ये हो जाएगा बेटा, मास कितना था बेटा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन था, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन को आप क्या करोगे 100 डिवाइडेड बाय 1.8 ग्राम पर एमएल, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, एमएल बचा बेटा, तो एमएल को आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 1000 बाय 18 का मतलब होता है 55.55। ये आपका एमएल निकला है ना, एमएल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आपको वॉल्यूम मिल गया बेटे, आप इस फॉर्मूले में पुटअप कर दीजिए, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू कितना देता है 98, और H2SO4 का मोलर मास कितना होता है यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, हाइड्रोजन का होता है 1 × 2 प्लस 32 होता है सल्फर का, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 × 4 जो कि निकलता है बेटा 98, कितना निकलता है 98, तो 98 निकाल दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसके मोल कितने हो गए बेटा, है ना, ये तो आपका मैंने यहाँ पर H2SO4 का मोलर मास निकाल के दिखाया, क्या निकाल के दिखाया मोलर मास, किस तरह से आप मोलर मास निकालोगे। अब इंटू यहाँ पर क्या था 1000, अब यहाँ पर क्या था 55.55, तो इट मीन्स दैट ये तो हो गया 1, यानी 1000 डिवाइडेड बाय 55.55, इट मीन्स दैट ये कितने टाइम्स जाने वाला है, ये लगभग हमारा 18 मोलर के आसपास आएगा, कितने मोलर के आसपास आएगा 18 मोलर के आसपास आएगा, कि मेरे पास कितना होगा बेटा 18 मोलर सॉल्यूशन होगा मेरे पास, किसका बेटे H2SO4 का, किसका होगा बेटा H2SO4 का 18 मोलर सॉल्यूशन होगा। अब ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जब आप में लैब में जाएंगे आप क्या करते हो, लैब में जाके काफ़ी चीज़ें है ना, आप टार्ट्रेशन वगैरह करते हो, टार्ट्रेशन वगैरह में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इसीलिए आपको अच्छी तरह समझना है और वैसे ही आपको काम करते हुए चलना है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपने ये वाला क्वेश्चन कैसे किया था वो भी देखते हैं आपने क्या करा। चलिए बताइए, पढ़ते हैं क्वेश्चन, एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेन्स 28% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू ऑफ क्यूएच, मतलब इसका मतलब आप यही समझ गए, 28% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू ऑफ क्यूएच का मतलब 28 ग्राम क्यूएच प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, इतनी बात क्लियर हो गई ना आपको। चलिए आगे बढ़िए, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर एमएल देन कैलकुलेट ऑफ द फॉलोइंग, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यूएच एंड वाटर, साथ ही साथ मोलरिटी। तो आपको बता दूं डेंसिटी की तभी जरूरत पड़ेगी जब आपको क्या निकालना हो बेटा, मोलैरिटी निकालना हो, तो हम मोलैरिटी सबसे बाद में निकाल लेंगे। हम पहले क्या निकाल सकते हैं, पहले हम निकाल लें परसेंटेज डब, है ना, मान लीजिए हमें यहाँ पर निकालना हुआ कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम निकाल लें पहले मोलैरिटी, क्या निकाल लें बेटा पहले मोलैरिटी, तो फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, पहले हम सेकेंड निकालेंगे मोलैरिटी, तो मोलैरिटी तो इक्वल टू होता है आपका जो भी मोल हो, है ना, यानी आपने फॉर्मूला था डब्ल्यू बाय एम इंटू 1000 बाय, है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है। तो आप बताइए W कितना दे रखा है ना, क्यूएच का W कितना दे रखा गया है, वेट कितना दिया है 28 ग्राम, क्योंकि आपने यहाँ समझ गए थे इसका मतलब क्या था, आपने बोला था ना 28 ग्राम क्यूएच प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो मुझे W तो पता चल गया, W कितना बेटा, W है 28 ग्राम, ठीक है। अब मोलर मास कितना होता है क्यूएच का, तो मोलर मास क्यूएच का निकाल लीजिए KOH, तो मैं आपको बता दूं 39 होता है पोटेशियम का और ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 होता है हाइड्रोजन का, तो ये निकलेगा आपका 56, कितना निकलेगा बेटा 56 इंटू 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए आपको, क्या चाहिए बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट, बट आप याद रखिएगा आपको यहाँ क्या पता चला था कि आपको पता था कि 100 ग्राम ऑफ आपके पास क्या बेटा सॉल्यूशन है, 100 ग्राम आपके पास सॉल्यूशन है, तो अब आपको किसका वेट चाहिए बेटा, आपको वेट चाहिए सॉल्वेंट का, तो आप इसमें से सॉल्यूट का वेट को घटा दीजिए, तो 100 माइनस 28 इज इक्वल टू मतलब कितना निकलेगा 72, है ना ग्राम, कितना निकलेगा बेटा 72 ग्राम, इतनी बात बेटा क्लियर हो रही 72 ग्राम निकलेगा, ये बात आप बिल्कुल समझ रहे हो मेरी कि कितना क्या चीज़ है और कैसे उसको करनी है, ये बात क्लियर हो रही बेटे। तब देखिए 72 ग्राम निकला ना, 72 ग्राम क्या निकला बेटा आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या निकला बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ रख दीजिए 72, है ना, तो आप इसको आप क्या कर दीजिए कैलकुलेट कर लीजिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे क्या करेंगे देखिए आप, पहले तो ये क्या हो गया, ये 1:2 यानी यहाँ आ गया 28 1 = 28 28 2 = 56, ठीक है, तो ये 2 times गया, अब ये 2 times गया, तो अब आप क्या करोगे बेटा, आप एक काम करिए कि आप 2 से
क्या करिए 1000 को डिवाइड कर दीजिए, जब 2 से आप 1000 को डिवाइड कर दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा बेटे 500। अब आप क्या करेंगे 500 को 72 से डिवाइड कर दीजिए, तो जब 72 से 500 को डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आपका आएगा 6.9 के आसपास, या अज्यूम कर लीजिए इसको टू बी 7, यानी कि तो इसकी मोलरिटी कितनी निकलेगी, लगभग 7 मोलल सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, अब आप इसी तरह से किसका निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन आप आसानी से निकाल सकते थे। मोल फ्रैक्शन में आपको पता चल गया था मोल कितने बेटा इसका 1/2 मोल है, तो मोल फ्रैक्शन आपको किसका निकालना था बेटा, मोल फ्रैक्शन आपको क्यूएच का निकालना था, तो लिख लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यूएच इज इक्वल टू कितना निकलेगा 1/2 अपॉन, है ना, 1/2 इन प्लस, आप देखिएगा 1/2 किसका मोल है बेटा, मोल ऑफ क्यूएच अपॉन मोल ऑफ क्यूएच प्लस मोल ऑफ वाटर चाहिए रहेगा, तो वाटर आपके पास कितना था 72, कितना था बेटा 72 ग्राम था वाटर, अभी आपने कितना निकाला था बेटा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा आपको याद रहना चाहिए सारी बातें, अगर आप भूल जाएंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आपको क्या चाहिए बेटा, आपका वाटर का वेट निकला था 72, और 72 को अगर आप किससे डिवाइड कर देंगे, अगर 72 को अगर आप 18 से डिवाइड कर देंगे तो आपका मिल जाएगा कितना बेटा 4 मोल, कितना मिल जाएगा बेटा मेरा 4 मोल, 72 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है, क्योंकि 18 टूजा कितना होता है 36, तो 36 टूजा कितना होता है 72, तो ये 4 आ गया, तो एक्चुअली में क्या हो गया 4.5 भी आप इसको लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो 4.5 या फिर हाफ भी लिख सकते हो। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, इसको सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा इसको, तो बेटे जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 4.5, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा लगभग 0. कितना आ जाएगा बेटा 0.1 के आसपास आएगा, कितना आएगा 0.1, है ना, 0.11 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन किसका निकल के आया, ये मोल फ्रैक्शन क्यूएच का निकल के आया। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी चाहिए तो आप वाटर का भी निकाल सकते हो, तो वाटर के मोल कितने थे 4 अपॉन, है ना, 0.5 प्लस 4, है ना, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 4 डिवाइडेड बाय 4.5, कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4.5, जब आप इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, करिए सॉल्व, तो ये बेटे लगभग आ जाएगा 0.88 के आसपास ये आ जाएगा। ठीक है बेटे, इसकी बात क्लियर होगी आपको, है ना, तो आपने देख लिया कि आप मोलैलिटी कैसे निकालोगे, साथ ही साथ मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, है ना, केवेज का और वाटर का। अब आपको क्या निकालनी है, मोलैरिटी, क्या निकालनी है बेटा, मोलैरिटी, मोलैरिटी आपको निकालनी है, मोलैरिटी आप निकाल चुके हो, चलिए मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, चलिए पीछे देखते हैं। मोलैरिटी का सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, फार्मूला बता देता हूँ। मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय m, है ना, इंटू 1000 बाय VML, है ना, VML किसके लिए, सोल्यूशन, है ना, VML ऑफ सोल्यूशन, इस तरह लिख लो VML ऑफ सोल्यूशन, ये मोलैरिटी का फार्मूला है। तो आपके पास मोल भी है बेटे, आपको मोल पता है, है ना, मोल कितना है आपके पास 0.5 मोल है, किसका 0.5 मोल है आपका क्यूएच का, तो मोलैरिटी तो आपको पता चल गई कि बेटा इसका वेट है 28, इसका मोलर मास था 56 इंटू ये था 1000। अब आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल, क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल, बट आपको ग्राम में तो पता है कि उसका वॉल्यूम कितना है बेटा 100, है ना, 100 ग्राम आपके पास सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन आपको पता है बेटा आपके पास है, जबकि आपको चाहिए इसका वॉल्यूम जो चाहिए वो एमएल में चाहिए, है ना, ये जो आपको सोल्यूशन का वेट दे रखा है आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप डेंसिटी का